गाइज वेलकम बैक टू आवर चैनल कैमरा सब देख रहा है एंड वी आर गोना एंड द गुजरात सीरीज विद दिस अमेजिंग स्टेकेशन एंड एक्सप्लोरिंग नीलकंठ धाम इन पोइचा. सो लेट्स बिगिन. हम निकल चुके हैं केवड़िया से. हम जा रहे हैं अब पोइचा जो है 1 आवर दूर स्टैचू ऑफ यूनिटी से. बहुत सारे लोग पोइचा में ही रुकते हैं ये सोच के कि केवड़िया में नॉर्मल होटल्स नहीं है एक्सेप्ट द 10 सिटी विच इज़ नॉट ट्रू. अभी आसपास बहुत ज़्यादा होटल्स और होम स्टेज खुल गए हैं. सो यू डो नॉट नीड टू गो ऑल द वे पोइचा एंड देन स्टैचू ऑफ यूनिटी. बट हम स्पेशली पोइचा आए क्योंकि हमें यहाँ पे नीलकंठ धाम जो है वो एक्सप्लोर करना था. ऐसा बोला जाता है कि साल के कुछ ही महीने वहाँ पे पूरा मंदिर पानी से भर जाता है और बहुत ही मस्त व्यू रहता है. ऑल्सो द होटल दैट वी डिसाइडेड टू स्टे इन फॉर स्टेकेशन इज दिस अमेजिंग होटल विच इज़ होटल प्रमुख मानसिंग इन. मैं डिस्क्रिप्शन में सब डिटेल्स डाल दूंगी, यू कैन चेक इट. होटल बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, हाईवे टचिंग है, प्लस मंदिर से भी ऑलमोस्ट 20 मिनट ही दूर है एंड उसकी एमिनिटीज़ फैसिलिटीज सब अच्छी लगी हमें. रूम्स भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे. हमने हमारी कार पार्क कर दी, सामान लेके अब हम अंदर आ गए. आई एम गोना गिव यू अ डिटेल्ड वीडियो सो प्लीज़ मेक श्योर आप एंड तक देखें. प्राइसिंग भी इसके बहुत अच्छे से. हमने ब्रेकफास्ट वाला पैकेज लिया था विच कॉस्टेड अस अराउंड समथिंग 5,500. और ये देखिए रूम्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं. उन्होंने एक छोटा सा क्यूट सा मंदिर भी बनाया हुआ है. स्टाफ भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है. लिफ्ट भी है, व्हीलचेयर भी वो लोग प्रोवाइड करते हैं. दे हैव एन इन हाउस रेस्टोरेंट सो इन केस इफ यू आर नॉट इवन स्टेइंग हियर आप यहाँ पे हॉल्ट कर सकते हैं लंच डिनर करने के लिए. काफ़ी ज़्यादा अच्छा है उनका खाना. एंड सिंस हम स्टेकेशन ही कर रहे हैं तो हम यहाँ पे प्रॉपर एक्सप्लोर करने वाले हैं, डिनर भी यहीं करेंगे. और ये देखिए फर्स्ट फ्लोर पे मस्त एक आउटिंग सिटिंग एरिया है जहाँ पे आप बैठ के खेल सकते हो. यहाँ पे रात को उन्होंने बोला कि बाहर कैंप फायर लगा के गाने वगैरह भी गरबा वगैरह भी वो लोग बजाते हैं. सो दिस इज़ द लॉबी ऑफ द रूम और हमें अलॉट किया गया है रूम नंबर 102. व्यू काफ़ी ज़्यादा ओकेश है, नॉट दैट मच ग्रेट. पूल वगैरह नहीं है बट ऑल बेसिक फैसिलिटीज़ आर हियर. क्लीनिनेस भी टॉप नॉच, सर्विसेज भी रियली नाइस. प्लस हमने ये होटल के बारे में सुना था कि यहाँ का रेस्टोरेंट इज़ टोटली मैनेज्ड एंड डन बाय लेडीज़ सो वी गैन डू दैट. हियर इज़ द रूम टूर. रूम काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस और अच्छा लगा हमें. पे वॉशरूम है, ये देखिए बेड, अच्छा वर्किंग टेबल भी दिया है उन्होंने. एंड दिस इज़ द नेम ऑफ द होटल, होटल द प्रमुख. टीवी भी है, ऑल बेसिक फैसिलिटीज़ व्हाट यू एक्सपेक्ट यू गेट इट अवेयर. ये देखिए वॉशरूम भी काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है, टाइल्स वगैरह सब है, हेयर ड्रायर एंड एवरीथिंग. दैट्स मी ऑब्वियसली. एसी फैन लाइट्स कोई कमी नहीं है, इट्स रियली गुड. कमिंग टू द व्यू, ठीक है द व्यू इज़ नॉट बैड. हमने पूरा गुजरात ग्रीनरी से देखा है सो वाई नॉट दिस. कमिंग टू द इवनिंग हम आ चुके हैं उनके इन हाउस रेस्टोरेंट में खाने को. एंड यहाँ पे ऐसा सिस्टम है कि यू आर वेलकम्ड विद 2 कॉम्प्लीमेंट्री वेलकम ड्रिंक और एक छोटा सा फ्राइम्स का बाउल प्लस चटनी भी देते हैं वो लोग. ऑल्सो वट वी हैव ऑर्डर्ड इज मंचाओ सूप, उनका वेज प्लेटर. ओके दिस इज़ अ प्योर वेज रेस्टोरेंट होटल. और लास्ट में हम डेजर्ट के लिए कुछ मंगाएंगे. खाना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था टू बी वेरी ऑनेस्ट. केदार वेज जल्दी खाता नहीं है बट उसे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा. इसमें पनीर के 2 टाइप्स थे, एक कबाब था और एक कुछ तो एक और चीज़ था. लास्ट में हमने मंगाया ये वनीला आइसक्रीम और उसके साथ गुलाब जामुन. वी आर वेरी टायर्ड और बिल हुआ हमारा टोटल 913 सबका मिला के. होटल बहुत बड़ा है प्लस यहाँ पे फैमिली के साथ भी आप आ सकते हो. इट्स अ रियली क्यूट सेटअप. ये देखिए दिस इज़ द नाइट व्यू ऑफ आर होटल आउटसाइड द रेस्टोरेंट. यहाँ पे चेयर डाल के बैठ सकते हो, बहुत बड़ी जगह है, पार्किंग का भी कुछ इशू नहीं है. और ये देखिए वेटिंग एरिया है. ये हो गई है नेक्स्ट मॉर्निंग. काफ़ी एस्थेटिक
मस्त रखा है उन लोग ने फ्लावर्स वगैरह. नेक्स्ट मॉर्निंग हम आए ब्रेकफास्ट करने को तो मस्त बुफे स्प्रेड था. दे हैड फ्राइज, फ्रूट्स, पूरा बुफे लगा हुआ है, आलू पराठा, कर्ड, इडली, एवरीथिंग. और काफ़ी ज़्यादा यम्मी था उनका स्प्रेड भी. सो हमने पूरा दिन ऑलमोस्ट होटल में ही बिताया. वी डिड नॉट गो एनीवेयर आउट. बट नाउ व्हाट वी आर गोना डू इज वी गोना चेक आउट फ्रॉम हियर एंड देन हम जाएंगे नीलकंठ धाम और एक कुबेर मंदिर भी है. सो चेंज ऑफ प्लान, हम नहीं जा रहे हैं कुबेर धाम, हम जा रहे हैं अब नीलकंठ धाम. और ये देखिए गाइस, आपको एक छोटा सा स्नीक पीक दे देते हैं. गौधाम है, वहाँ गौशाला है, तो वहाँ भी जाएंगे हम. रास्ता बहुत ही ज़्यादा प्रिटी बना है, उन्होंने बहुत बड़ी गौशाला है. देखिए गाइस, ये उनका स्टे का ऑप्शन है. 50 rupees कार पार्किंग है और पार्किंग यहाँ पे करनी है आपको. बर्ड्स भी बहुत, आज एक्चुअली वीकेंड है, ओवर ट्रैफिक, भीड़ है. वीकेंड छे आज. ये जो नीलकंठ धाम है वो एक्चुअली स्वामीनारायण का मंदिर है. बट इस मंदिर में ही आपको इतने सारे छोटे छोटे मंदिर मिल जाएंगे, वो भी सब भगवान के. हम यहाँ स्पेशली इसके लिए आए क्योंकि हमने इसके आर्किटेक्चर के बारे में बहुत सुना था एंड वी आर नॉट सरप्राइज्ड बिकॉज इसके आर्किटेक्चर इतने मस्त और इतना फाइन डिटेलिंग से किया गया है. प्लस द टेम्पल इज सो यूज कि आप यहाँ पे पूरा एक दिन स्पेंड कर सकते हैं. ऑल्सो द टेम्पल ओवरव्यूज द नर्मदा रिवर, जैसे कि आप देख सकते हैं. मैंने बहुत छोटे छोटे क्लिप्स लिए बिकॉज बहुत क्राउडेड था. प्लस देर इज सो मच टू सी दैट आई कॉन्ट एक्सप्लेन. और इतना ब्यूटिफुली मेंटेन्ड है ये, एवरी कॉर्नर, एवरी वेयर दैट यू वॉक यू हैव समथिंग टू सी. तो अगर आप पोइचा में है या केवड़िया तक आई है, सो आई टोटली रिकमेंड आप थोड़ा टाइम निकाल के ये मंदिर आइए. यहाँ के वाइब्स इतने अच्छे और इतने पीसफुल है ना. यहाँ पे शिव जी का मंदिर है, यहाँ पे गणपति जी का मंदिर है, विष्णु जी का मंदिर है, राधा कृष्ण है. प्लस अंडरग्राउंड भी बहुत ज़्यादा मंदिर है एंड आई कुडंट कवर एवरीथिंग ऑन द कैमरा, बट whatever I could cover here it is. And the place is very peaceful, very beautiful. ये देखिए, ये लॉर्ड परशुराम का मंदिर है. और यहाँ पे शाम को 6 बजे बहुत मस्त लाइटनिंग होता है. प्लस ऐसा बोला जाता है कि ये जो हाथी है वो अपने पीछे, जैसा आप देख सकते हैं कि भगवान की मूर्ति लेके, दे टेक अ राउंड ऑफ द होल टेम्पल. So that is it. I am going to end the vlog over here. We did not wait much because बहुत गर्मी थी और हम थक गए थे. And I'm going to end the Gujarat series over here. Thank you for watching. Stay tuned for more better videos. Please don't forget to subscribe. We are near our 1000 subscribers.